बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी। फूड चैनल में खुश आमदीद। आज मैं फिर हाजिर हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल देगी स्टाइल जर्दे की रेसिपी के साथ। जर्दा बनाने के लिए मैंने हाफ के जी चावल लिए थे, जिसे आधा घंटा पहले मैंने पानी में भिगो दिया। ये आम मैंने बासमती चावल लिए। हाफ के जी चीनी, एक कप मेल्टेड घी, आप इसकी जगह देसी घी भी ले सकती हैं। 2 टेबल स्पून कटा हुआ खोपरा, 2 टेबलस्पून छिले हुए बादाम, 2 टेबलस्पून किशमिश, 1 कप दूध, 5 अदद सब्ज इलायची, 1/2 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर, 1/2 टीस्पून कड़ा एसेंस। अब मैं इसे बनाती हूँ। जर्दा बनाने के लिए मैंने इस तरह से एक पतीली ली है, इसमें पानी ऐड कर दिए, 1 किलो के करीब मैंने पानी लिया है। अब ये ऑरेंज फूड कलर में मैंने पानी डाल के इसे मिक्स कर लिया, ये इसमें डाल दूंगी। फूड कलर इसमें मैंने डाल दिया, मैं इसे बॉयल आने तक पकाऊंगी। पानी में अच्छे से बॉयल आ गया, मैं इस पॉइंट पे इसमें चावल ऐड करूंगी। सारे चावल मैंने इसमें डाल दिए हैं, अब मैं चावलों को 80% तक कुक करूंगी। चावलों को बॉयल होते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए। ये देखें, चावल हमारे अच्छे से जितने हमें चाहिए उतने हो गए। अब मैं इसका पानी निकाल लूंगी। चावलों को मैंने रख दिया, अब मैं उसी पतीली में मेल्टेड घी ऐड करूंगी, साथ ही इसमें इलायची ऐड कर देंगे और इलायची को चंद सेकंड के लिए घी में फ्राई करेंगे। इलायची को मैंने चंद सेकंड के लिए घी में फ्राई कर लिया, मैं इसमें दूध ऐड करूंगी, साथ ही इसमें चीनी ऐड कर देंगे और चीनी को मेल्ट होने तक दूध में पकाएंगे। दूध में चीनी को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, मैं इसमें चावल ऐड करूंगी। दूध में सारे चावल मैंने ऐड कर दिए, मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। दूध में मैंने चावलों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, ये देखें अभी इसमें पानी मौजूद है, इसे मैं खुश्क करने तक पकाऊंगी। चावलों में पानी अच्छे से खुश्क हो गया, ये देखें। अब मैं इस पॉइंट पे इसमें कड़ा एसेंस ऐड करूंगी और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कड़ा एसेंस को भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, मैं इसकी बिल्कुल लो फ्लेम कर दूंगी। मैंने इसकी फ्लेम लो कर दिया, मैं इसमें खोपरा ऐड करूंगी, किशमिश, बादाम डाल के इसे कवर करके 15 मिनट के लिए दम पे लगा दूंगी। चावलों को रखे हुए 15 मिनट हो गए, ये देखे मैंने इसकी फ्लेम बंद कर दी है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद डिश आउट करूंगी। तो तैयार है बहुत ही मजे का, बहुत ही टेस्टी देगी स्टाइल जर्दा। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का जरूर इजहार किया करें। अल्लाह हाफिज़।